अगर आप इम्प्रूवमेंट एग्जाम देना चाहते हैं तो इम्प्रूवमेंट एग्जाम का मतलब क्या है कि आप अपने मार्क्स को बढ़ाना चाहते हैं। आपके मार्क्स जो भी आएंगे बोर्ड एग्जाम में, रिजल्ट आने वाला है, आपको लगता है कि कम है तो आप बढ़ा सकते हैं। इसके आपको दो मौके मिलने वाले हैं, पहले सिर्फ एक मौका मिलता था, अब दो हो चुके हैं। दो मौके कैसे मिलेंगे? पहला मौका आपको मिलेगा 1 महीने बाद, जैसे ही रिजल्ट आएगा उसके लगभग 1 महीने बाद कंपार्टमेंट का एग्ज़ाम होना है। उस कंपार्टमेंट के एग्ज़ाम में इंप्रूवमेंट वाले बच्चे भी बैठ सकते हैं जिनको इंप्रूवमेंट देना है। आपको अपने स्कूल में बात करनी है, आपके स्कूल वाले वो फॉर्म भरेंगे, चाहे आप कंपार्टमेंट के बच्चे हैं चाहे आप इंप्रूवमेंट के बच्चे हैं, सिलेबस वही आता है, पेपर सेम होगा और एक ही दिन पर होगा, कुछ अलग पेपर नहीं होगा। यानी कि कंपार्टमेंट इंप्रूवमेंट दोनों लगभग एक ही है, ठीक है। कंपार्टमेंट मतलब जो बच्चे रह गए जिनको पास नहीं हो पाए वो कंपार्टमेंट देंगे, और जो पास हो जाएंगे वो इम्प्रूवमेंट दे सकते हैं। इम्प्रूवमेंट की कोई कंपलसरी नहीं होता कि देना ही है, लेकिन कंपार्टमेंट तो कंपलसरी है, देना पड़ेगा आपको पास होने के लिए। तो अगर आपकी कंपार्टमेंट आ गई, कुछ बच्चों को डाउट है, मान लो मेरी कंपार्टमेंट आ गई, तो क्या मैं अगले साल इम्प्रूवमेंट दे पाऊँगा? आप बिल्कुल दे सकते हैं, ठीक है। अगर आपकी कंपार्टमेंट आ गई, आपने 1 महीने बाद एग्ज़ाम दिया, पास हो गए, तो आप अगले साल इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम दे सकते हैं, जो कि मार्च में होगा 2024 में। और अगर मान लो दूसरे तरह के बच्चे ऐसे हैं जो पास हो जाते हैं, रिजल्ट आएगा पास हो जाएंगे, इम्प्रूवमेंट देना चाहते हैं 1 महीने बाद, तो वो इम्प्रूवमेंट दे सकते हैं। क्या वो अगले साल फिर से इम्प्रूवमेंट दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकते हैं। चाहे आपने ये इम्प्रूवमेंट 1 महीने वाला बाद दिया हो या नहीं दिया हो, तब भी अगले साल इम्प्रूवमेंट दे पाएंगे, देते हैं तब भी दे पाएंगे। तो यानी कि इम्प्रूवमेंट के लिए आपको दो मौके मिलेंगे, आप दोनों मौके के एग्ज़ाम दे सकते हैं। एक का भी दे सकते हैं, यानी कि अभी 1 महीने बाद वाला आप छोड़ सकते हैं और अगले साल वाला दे सकते हैं, या फिर दोनों दे सकते हैं। तो ज़्यादा फ़ायदा किस में है? दोनों में ज़्यादा फ़ायदा है। मान लो आपका फिजिक्स का एग्ज़ाम हुआ, आपने इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम देना है 1 महीने बाद फिजिक्स का, आपने दिया, मार्क्स आपके बढ़ गए या घट गए जो भी हुआ, अगले साल आप फिर से इम्प्रूवमेंट दे सकते हो, उसी सब्जेक्ट का दे सकते हो फिजिक्स का, और बाकी का भी दे सकते हो। एक चीज़ का ध्यान रखना है, इम्प्रूवमेंट दो तरह का होने वाला है। जो 1 महीने बाद होगा उसमें सिर्फ एक ही सब्जेक्ट का इम्प्रूवमेंट दिया जा सकता है। आपके पास 5 सब्जेक्ट हैं तो एक का ही इम्प्रूवमेंट होगा, चाहे 5 हो चाहे 6 हो, उससे मतलब नहीं है। एक ही सब्जेक्ट का इम्प्रूवमेंट आप दे सकते हो 1 महीने बाद वाले में। अगर आप चाहते हो कि मुझे ज़्यादा में देना है, 2 में 3 में 4 में या सभी में देना है, अगले साल दोगे। अगले साल मार्च में एग्ज़ाम होगा, उसके फॉर्म अक्टूबर के आसपास आते हैं, सितंबर अक्टूबर में आते हैं, वो अलग चीज़ है। लेकिन जो 1 महीने बाद होने वाला है उसके फॉर्म एकदम से आएंगे, बहुत जल्द आएंगे, ज़्यादा समय नहीं मिलेगा भरने का, तो आप चैनल से जुड़े रहें। जैसे ही फॉर्म आएंगे आप सभी को अपडेट मिलेगी। और इम्प्रूवमेंट का फॉर्म या कंपार्टमेंट का फॉर्म भरता कौन है? तो आपके स्कूल वाले भरते हैं, आप खुद से नहीं भर सकते। स्कूल में बात करनी पड़ेगी, वही फॉर्म भरेंगे जो 1 महीने वाले बाद एग्ज़ाम होगा उसका। जो अगले साल होगा, अगले साल जो कंपार्टमेंट इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम देना चाहते हैं वो खुद से भर सकते हैं, उनको स्कूल में बात करने की ज़रूरत नहीं है। उसके लिए डिटेल वीडियो बाद में आती रहेंगी, जैसे जैसे कमेंट्स आएंगे, जैसे डाउट्स आएंगे, वो आपके धीरे धीरे और वीडियो में बातें होती, क्योंकि बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे नियम हैं इस चीज़ के लिए, एक वीडियो में कवर नहीं हो सकते हैं। तो अलग अलग जैसी अपडेट्स आएंगे आप सभी को मिलती रहेगी, और एक प्लेलिस्ट बना दी जाएगी जिसमें आप सब चीज़ें पढ़ पाएंगे, समझ पाएंगे। तो जो भी आपको ओके डाउट होता है प्लीज़ कमेंट करेगा, आप टेलीग्राम पे हैं, अच्छी बात है, नहीं है तो प्लीज़ ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम का जो लिंक है वो मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, ताकि मुझे पता चल सके कि आपको चीज़ें समझ आ रही हैं या नहीं आ रही हैं। और अगर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, क्योंकि बाकी की जो वीडियो है, जानकारी है, वो आपको मिल पाएंगी। थैंक यू सो मच।